जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सिंह चौहान लक्ष्य फोर्स एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आज के नए विषय के साथ। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो कि आगामी तमाम जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसका एक महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लक्ष्य फोर्स एकेडमी 34, जी हाँ साथियों 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जिनमें से शायद ही किसी के इनमें से आधे ज़्यादा तो हम लोगों ने नाम भी नहीं सुनेंगे, तो तमाम आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर आप लोग को हिंट दिया है मैंने, जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, जैसे कि आप देख सकते हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका अहमदाबाद, बाबा साहेब अम्बेडकर नागपुर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे कि आप देख रहे कोलकाता। तो साथियों ये आपके कुछ हाईलाइटेड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी तैयारी कराने वाला हूँ कि चाहे कहीं से किसी भी कोने से आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आ जाएँ आप बिल्कुल वहाँ पर 100% अपने अंक प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने टाइटल दे रखा है मैंने 34 प्रसिद्ध भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। साथियों मैं हर दिन सुबह 4 बजे से लेकर मतलब रात के 8-9 बजे तक क्लासें लेना और फिजिकल कराना 24 घंटे अपने साथियों के लिए लगा रहता हूं। बस यही चाहता हूं कि आप सभी साथी अपनी मंजिल को प्राप्त करें। तो देख सकते हैं साथियों आप, और आज भी कुछ ऐसे ही प्रयास मैंने करने का प्रयास किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तो कैसे दिखाई देता है साथियों, देखिए आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक छोटा सा दृश्य जो मैंने आप लोग के सामने प्रस्तुत किया, आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये विमान है, आप लोग देख सकते हैं इसको, तो कुछ ऐसा ही नज़ारा होता है। तो जब आप लोग कामयाब हो जाएंगे अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे तो एक बार आप जाके जरूर घूमिएगा। चलिए जैसे कि देख सकते हैं कुछ थोड़ा सा मैं आप लोग को मीटर पढ़वा देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि हवाई यात्रा करना बहुत बड़ा सुखद होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए शुरुआत में थोड़ा अजीब और डरावना भी हो सकता है। जैसे कि ऊपर जाते हैं हम लोग हवा में तो एकदम से बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, लेकिन देश विदेश के लिए हवाई जहाज़ में सफ़र करने से पहले आपको हवाई अड्डे पर चेकिंग इत्यादि करना, इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी तमाम बातें हैं जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको पूरा यहाँ पर जो है मीटर मिलेगा। चलिए अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है आपका यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। जैसे कि आप देख सकते हैं सॉरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले नंबर पे आपको दे रखा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों आप देख सकते हैं, ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, नई दिल्ली का दृश्य साथियों। ये सब चीज़ें बहुत कम लोग हैं जो अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने रखते हैं, लेकिन मैं आप लोग के लिए सारे तमाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इसी तरीके से आपके सामने मैं यहाँ पर समझाने और बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है का, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत में सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा और एक महत्वपूर्ण विमान केंद्र है, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पड़ता है आपका, तो राजधानी नई दिल्ली में पड़ता है। क्लियर है साथियों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका यहाँ पर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों देख सकते हैं आप उसका दृश्य मैं आपको बता दूं, ये तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, आप देख सकते हैं साथियों। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी मेरे नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ये क्या पड़ता है आपका, तो देखिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र शांत क्रूज मुंबई में स्थित है साथियों। कहाँ स्थित है, तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगला देखते हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है आपका, देखिए तो सबसे पहले इसका दृश्य देखिए आप सभी, ये देखिए साथियों ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जैसे कि आप देख सकते हैं तो लॉकडाउन में भी कुछ इसी तरीके के हालात देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में देखिए अब ये कहाँ पड़ता है आपका, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपको दे रखा है यहाँ पर, तो ये है आपका हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका पूरा नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये कहाँ है साथियों आपका, हैदराबाद में। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं
अहमदाबाद चौथे नंबर पे आपका आता है साथियों, अहमदाबाद अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका दृश्य आप लोग देख सकते हैं आपके सामने है, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है साथियों। तो कुछ इसी तरह का यहाँ का दृश्य है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए, तो अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा को सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है आपका, तो अहमदाबाद, ठीक है। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए अगला है आपका बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों, तो देखिए इसका दृश्य आपके सामने है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। ये वहीं के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लुक है साथियों, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा नज़ारा है वहाँ का, ठीक है। चलिए तो इसकी बात करूँ तो ये कहाँ है आपका, तो देखिए तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आप केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको याद रखना है बेंगलुरु में पड़ता है और इसका नाम क्या, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा इसे बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपका कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों आप देख सकते हैं। चलिए तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा कहाँ है आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो साथ ही ये कहाँ पड़ता है आपका, तो ये आपका कोलकाता में पड़ता है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों, सातवें नंबर का अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप नोट्स बनाइए और इसको एक बार पढ़िए, मैं कह रहा हूँ गारंटेड आप यहाँ से कभी नहीं भूलने वाले। तो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप जैसे कि देख सकते हैं चेन्नई, ठीक है, बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा है साथियों, आप देख सकते हैं यार, ठीक है। चलिए तो अंतर्राष्ट्रीय अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है, तो नाम से स्पष्ट है अन्ना, अन्ना कहाँ के लोगों को बोला जाता है, तो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख हवाई अड्डा है और भारत में दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये आपको याद रखना है। आप पहला कौन सा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपको बताना ही है साथियों, और यदि आपने एक बार कोई चीज़ पढ़ के और उसका जवाब दे दिया तो आप भविष्य में उसको कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है, तो चेन्नई में पड़ता है, याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ से, तो अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका आठवें नंबर का, वो है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर जिसे पिंक सिटी बोला जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ की यदि बात करूँ तो कैसा दिखाई देता है, तो देखिए ये आप देख सकते हैं साथियों, बहुत मेहनत से तैयार किया मैंने वीडियो, ठीक है, तो आप लोग के काम आना चाहिए, आप लोग पढ़िए इसको। चलिए तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा, जयपुर, तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का यहाँ का नज़ारा है, ठीक है। चलिए तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की यदि मैं बात करूँ तो ये आपका कहाँ पड़ता है, देखिए साथियों, तो ये आपका कहाँ पड़ता है, तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान का एकमात्र हवाई अड्डा है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए तो जयपुर में पड़ता है आपका, ये आपको याद रखना है, राजस्थान। अगला देखिए, अगला कौन सा है आपका, तो गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों, गोवा, ठीक है ना, तो गोवा जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं गोवा को मूवी वगैरह में देखते हैं आप लोग, ठीक है, ये आप देख सकते हैं गोवा, ठीक है, इस तरह का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा गोवा का, ये गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों। चलिए तो यहाँ देखिए, तो गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे डबोलिम हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, तो डबोलिन आपको याद रखना है, गोवा आपको नहीं बोलेगा, वो कंफ्यूज करेगा डबोलिन हवाई अड्डा का, केम्पेगौड़ा जिसे बोला जाता है, तो पिछला हवाई अड्डा जिसे हमने देखा है उसी तरीके से डबोलिन हवाई अड्डा कहाँ है आपका, तो साथी गोवा में है, गोवा, तो आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, दसवें नंबर का आपका श्री गुरु रामदास, ठीक है, तो श्री गुरु रामदास जी यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है श्री गुरु रामदास, ठीक है ना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पड़ता है, देखिए तो सबसे पहले तो देख लीजिए इसका नज़ारा कैसा है, ठीक है, तो ये आपका देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा दृश्य जो आपको दिखाई दे रहा है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, ठीक है, कोरोना का दौर है साथियों, और कुछ इसी तरीके से आपको वहाँ पर पुलिस फोर्स का नज़ारा और चेकिंग आपको देखने को मिलेगी। चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग, तो इसके बारे में क्या बातें हैं, तो देख लीजिए, तो अमृतसर हवाई अड्डा जिसे श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, तो अमृतसर हवाई अड्डा आ जाए, चाहे आपका क्या आ जाए, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आ जाए। चलिए आगे यदि हम देखते हैं इसमें, अगला आपका आता है यहाँ पर, तो साथियों अगला आपका आ रहा है यहाँ पर 11वें नंबर का बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा विमान क्षेत्र यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा,
ठीक है। साथ ही ऐसे ऐसे नाम है जो बहुत कम हम लोग को पढ़ने को मिलता है साथियों, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का दृश्य आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है साथियों, आप देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से क्या बात है आपको याद रखनी, तो बिरसा मुंडा विमान क्षेत्र झारखंड स्थित हवाई अड्डा है। ठीक है, याद रखना है आपको कहाँ है ये, बिरसा मुंडा झारखंड स्थित हवाई अड्डा है, तो आपको याद रखना है साथियों बिरसा मुंडा। चलिए अगला देखिए आप, तो अगला आपके सामने 12वें नंबर का वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों, वीर सावरकर। ठीक है, तो वीर सावरकर देखिए आप, ये वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। ठीक है, तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइए साथियों। ठीक है, चलिए, तो आप लोग यहाँ से क्या बातें याद रखेंगे कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना, जिसे सामान्यतः पोर्ट विमान क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये किस जगह पर पड़ता है, तो ये पोर्ट ब्लेयर से 2 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है साथियों, तो अंडमान निकोबार की, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अंडमान निकोबार आपके केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। चलिए 13वें नंबर का आपका आता है अगला विजयवाड़ा हवाई अड्डा। विजयवाड़ा हवाई अड्डा की यदि मैं बात करूँ तो देखिए विजयवाड़ा हवाई अड्डा आपका कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो ये आप वहाँ का दृश्य देखिए सबसे पहले। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है विजयवाड़ा हवाई अड्डे का, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये विजयवाड़ा हवाई अड्डा है साथियों आपका ये। ठीक है, तो विजयवाड़ा हवाई अड्डा, अब यहाँ से क्या बातें आपको याद रखनी है, तो देखिए यहाँ से आपको याद रखना है कि विजयवाड़ा विमान क्षेत्र भारत के आंध्र प्रदेश जो कि भाषाई आधार पर गठित एक राज्य भी है, तो ये भी आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विजयवाड़ा शहर जो कि आंध्र प्रदेश की क्या है, ठीक है, तो राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए आप, यहाँ से अगला आप देखिए इसमें साथियों, तो अगला आपका आता है 14 नंबर का, तो वो है आपका कौन सा, विशाखापट्टनम विमान क्षेत्र। तो साथियों देखिए विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप देख सकते हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने दिखाई दे रहा है। चलिए, तो इससे जुड़ी कुछ बातें आपको क्या याद रखनी है, तो देखते हैं आपको यहाँ से क्या याद रखना है साथियों। आपको याद रखना है कि विशाखापट्टनम विमान क्षेत्र भारत के विशाखापट्टनम शहर में स्थित है, हवाई अड्डा है, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ है, जिसके नाम से पता है, विशाखापट्टनम में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोपीनाथ, याद रखना है 15वें नंबर का आपका है साथियों। तो देखते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए ये कैसा दिखाई देता है, तो देख लीजिए आप। ठीक है, स्क्रीन पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है साथियों, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चलिए, अब इससे जुड़ी आपको क्या बातें याद रखनी है, तो देख लें, आपको याद रखना है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विमान क्षेत्र है। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है, क्लियर है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है आपका, तो गुवाहाटी, याद रखना है गुवाहाटी। ठीक है ना, गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है, गुवाहाटी में साथ ही, याद रखना है। अगला है 16वें नंबर का आपको बड़ोदरा विमान क्षेत्र, बड़ोदरा आप जानते हैं गुजरात में पड़ता है, बड़ोदरा आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए आप लोग, तो बड़ोदरा विमान क्षेत्र या सिविल विमान क्षेत्र जैसे कि यहाँ दे रखा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बड़ोदरा मैंने आपको बता दिया गुजरात में पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए, श्रीनगर विमान क्षेत्र, तो 17वें नंबर का आपका श्रीनगर विमान क्षेत्र, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी है साथियों। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, जिसमें से एक ग्रीष्मकालीन है और एक आपकी कौन सी है, शीत राजधानी। तो ये आपको बताना है ग्रीष्मकालीन कौन सी है और शीत राजधानी कौन सी है। ठीक है, चलिए अब इससे जुड़ी कुछ बातें आप लोग देख लीजिएगा, क्या याद रखना है आपको यहाँ से, तो देखिए श्रीनगर विमान क्षेत्र भारत के श्रीनगर शहर में स्थित है, हवाई अड्डा है, बस इतना सा आपको याद रखना है, क्लियर है यहाँ से। ठीक है, श्रीनगर में है साथियों, याद रखना है। अगला देखिए 18वें नंबर का टॉपिक है मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो आप देख सकते हैं यहाँ का दृश्य। ठीक है, तो मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने लिखा रहा है साथियों, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, चलिए तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, मंगलोर विमान क्षेत्र मंगलोर में स्थित है, कहाँ स्थित है साथियों, मंगलोर में, तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपका कौन सा, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 1900 नंबर का टॉपिक है साथियों। तो त्रिवेंद्रम आप देख सकते हैं,
ठीक है, बहुत ही शानदार दृश्य है साथियों। मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड लेकर आया हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, ताकि आप एक बार देख के उसको, कभी कभी चित्र भी यदि आपसे पूछ ले साथियों, कहीं एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कि त्रिवेंद्रम विमान क्षेत्र भारत के त्रिवेंद्रम शहर में स्थित है, एक हवाई अड्डा है, तो ये आपको याद रखना है, त्रिवेंद्रम शहर में ये नाम से स्पष्ट है। चलिए आगे देखिए, तो 20वें नंबर का आपका टॉपिक है, 20वें नंबर का आपका टॉपिक है साथियों कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका किस शहर में पड़ता है, तो देख लीजिएगा, सबसे पहले इसका नज़ारा देखिए आप साथियों, ठीक है। ये पूरे का पूरा लुक है वहाँ का, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा है साथियों। चलिए, तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पड़ता है, तो देख लीजिएगा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कोची में स्थित है। कोची कहाँ पड़ता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना साथियों। देखिए, सब चीज़ मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन फिर भी यदि आपने एक बार पढ़ ली ना चीज़ें, तो आप लोग स्वयं जो पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलने वाले, याद रखिएगा। इसलिए मैं आप लोग से बोलता हूँ, आप खुद पढ़ के मुझे जवाब दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, आप लोग जो देख सकते हैं, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका, ये कहाँ पड़ता है, तो देखिए, तो 21वें नंबर का जो टॉपिक है, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ का नज़ारा, ये कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों, ये आप देख सकते हैं, ये रात का पिक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप देखिएगा कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी विमान क्षेत्र, ठीक है, तो ये करीपुर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। कालीकट, ये आपको कालीकट आपका कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपको बताना है भैया कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है ना। करीपुर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखना, करीपुर, तो कहाँ से करी और कहाँ से कालीकट, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद यहाँ से देखिए, तो 22वें नंबर का आपको दे रखा है कि कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको दे रखा है, तो कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे कि आपके सामने है, ठीक है, तो इसका यहाँ पर लोगो आपको दे रखा है, और आपको यहाँ से याद कर रखना है, तो ये कहाँ पड़ता है आपके साथियों, तो देख लीजिएगा, तो कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र, कर्नाटक के कोडागु और मैसूर जिला, और भारत में पोंडुचेरी के नए जिले में सेवा दे रहा है, तो ये आपको याद रखना है, केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में, इतना सा आपको यहाँ से याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे, आपको यहाँ से क्या देखना है, तो 23वें नंबर का जैसे कि आप देख सकते हैं साथियों, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसका नाम किसने नहीं सुना है, ठीक है ना, और इनका नाम देवी अहिल्याबाई का नाम किसने नहीं सुना है, ठीक है, तो ये भी आप लोग को अच्छे से पता है। मिनी मुंबई उद्योग नगरी के नाम से प्रसिद्ध है आपका इंदौर, ठीक है ना, एजुकेशन हब भी जिसे कहा जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदौर का साथियों, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर का है, देवी अहिल्याबाई होलकर, और आप देख सकते हैं इसके बारे में जुड़ी हुई कुछ बातें, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इंदौर विमान क्षेत्र इंदौर में स्थित है, और देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से इसे जाना जाता है, तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए, 24वें नंबर का आपका टॉपिक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र साथियों, तो ये कहाँ पड़ता है आपका, देखिए, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका नज़ारा आपके सामने है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बाबा अम्बेडकर विमान क्षेत्र का, आप देख सकते हैं एयरपोर्ट का पूरा नज़ारा। चलिए, अब इनसे जुड़ी कुछ बातें आपको याद रखनी है, तो क्या, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, जिसे सोनेगांव हवाई अड्डा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। और ये कहाँ स्थित है आपका, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इधर छोटा से कोने में आपको दिखाई दे रहा है, ये नागपुर में स्थित है साथियों। कहाँ पड़ता है आपका, तो ये नागपुर में आपका पड़ता है, क्लियर है, ये आपको याद रखना है, नागपुर में आपका पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे, यदि हम लोग यहाँ से बढ़े, तो 2500 नंबर का जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, वो है आपका बीजू पटनायक हवाई अड्डा, ठीक है, बीजू पटनायक हवाई अड्डा आपको दिखाई दे रहा है साथियों, ठीक है, तो बीजू पटनायक हवाई अड्डा आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है, ये बीजू पटनायक आप देख सकते हैं। चलिए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है सामने बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है साथी, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलिए, अब आगे देखिए, तो ये कहाँ पड़ता है, तो देख लीजिएगा, तो भुवनेश्वर विमान क्षेत्र भुवनेश्वर में स्थित है, तो बीजू पटनायक यदि आपसे पूछा जाए तो कहाँ है, भुवनेश्वर में, ठीक है ना, भुवनेश्वर, तो ये आपको याद रखना है। अगला है 26वें नंबर का टॉपिक साथियों, तो कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, कोयम्बटूर जैसे कि नाम से प्रसिद्ध है,
और नाम से आपको दिखाई भी दे रहा है, काफ़ी कई जगह हम लोग पढ़ते हैं कोयम्बटूर। ठीक है, चलिए तो ये कोयम्बटूर का नज़ारा है, थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, पर आप समझ सकते हैं। चलिए तो कोयम्बटूर विमान क्षेत्र कोयम्बटूर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है यहाँ तक साथियों? चलिए आगे देखिए, अगला आपको 2700 नंबर का दिखाई दे रहा है, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों, तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये आपका कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो तिरुचिरापल्ली से आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, तो देख लीजिएगा, तिरुचिरापल्ली विमान क्षेत्र भारत के तिरुचिरापल्ली शहर में स्थित है, ये बस इतना सा आपको याद रखना है। तो आपके नाम से ही हवाई अड्डा है, तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला देखिए, 2800 नंबर का और इम्पोर्टेंट है साथियों आपका, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपको देखना है, तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके सामने देख सकते हैं आप। ठीक है, तो कुछ इस तरह का वहाँ का नज़ारा है, चौधरी चरण सिंह आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथियों ये वाला, तो याद रखना है। और ये कहाँ पड़ता है, तो लखनऊ विमान क्षेत्र लखनऊ में स्थित है, आपको याद रखना है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों लखनऊ में स्थित है, आपको यहाँ से याद रखना है। क्लियर है, चलिए आगे हम देखते हैं 29वां यदि आपको दिखाई दे रहा है, तो 29वां है आपका कौन सा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कुछ दृश्य आपको दिखाई दे रहा है बाहर का। ठीक है, चलिए तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको दिखाई दे रहा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम लाल बहादुर शास्त्री विमान क्षेत्र भी है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। क्लियर है साथियों, तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी। ठीक है साथियों, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है आपका, ठीक है ना, और ये कहाँ पड़ता है आपका, तो ये आपका वाराणसी में पड़ता है। क्लियर है, ये आपको यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, चलिए यहाँ आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाराणसी में पड़ता है आपका। ठीक है ना, वाराणसी, ठीक है, तो वाराणसी में पड़ता है। ठीक है ना, वाराणसी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तो अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके सामने दे रखा है बागडोगरा। ठीक है, और अगला देखिए आप 300 नंबर का, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है साथियों, 300 नंबर का आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बागडोगरा विमान क्षेत्र। ठीक है, तो बागडोगरा विमान क्षेत्र आप देख सकते हैं। ठीक है, बागडोगरा का दृश्य आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, बागडोगरा। ठीक है साथियों, अब ये कहाँ पड़ता है आपका, तो देख लीजिएगा, बागडोगरा आपका कहाँ पड़ता है यहाँ पर, तो बागडोगरा विमान क्षेत्र बांग्ला जैसे कि आपको दे रखा है, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी शहर में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला देखिए, 31वें नंबर का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इम्फाल विमान क्षेत्र। ठीक है साथियों, तो इम्फाल विमान क्षेत्र जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं अपने आपको यहाँ पर थोड़ा कैमरे पर आ जाता हूँ। चलिए ठीक है, तो इम्फाल विमान क्षेत्र जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, तो मैप के माध्यम से मैं आप लोग को यहाँ पर दे रखा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, तो इम्फाल जैसे कि आप जानते हैं तो मणिपुर की क्या ये राजधानी, ठीक है ना, तो इम्फाल विमान क्षेत्र आपको दे रखा है, और ये मणिपुर की क्या साथियों राजधानी है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। और इम्फाल में मुख्य शहर से 8 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है विमान क्षेत्र, तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि हम जानते हैं कि शहर से बाहर होता है अधिकतर, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। अगला आपको दे रखा है 3200 नंबर का, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया। ठीक है ना साथियों, तो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो भारतीय विमान क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, विमान पतन प्राधिकरण। ठीक है ना, तो ये ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये गया एयरपोर्ट जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कैसी जानकारी है, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, तो कहाँ पड़ता है आपको, तो गया जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के गया एवं बोध गया शहरों के बीच अवस्थित है, तो ये आपको याद रखना है, बिहार में पड़ता है आपका गया। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध से जुड़ा है ये जगह, तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो यहाँ हमारा लगभग समाप्त होने वाला है। 3300 नंबर का आपको दिखाई दे रहा है पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है साथियों, पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो आप देख सकते हैं पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, तो पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विमान पतन, ठीक है, जो कि भारत के महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 10 किलोमीटर, ठीक है, तो 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पड़ता है, पुणे में ही है पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों,
भारत के महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, क्लियर है, इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अगला है आपका सूरत विमान क्षेत्र, तो सूरत विमान क्षेत्र आप देख सकते हैं, ठीक है, सूरत गुजरात, ठीक है साथियों, ये सूरत विमान क्षेत्र है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, सूरत विमान क्षेत्र। चलिए तो सूरत विमान क्षेत्र से आपको क्या याद रखना है साथियों, तो यहाँ से याद रखना है आपको सूरत विमान क्षेत्र गुजरात राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है, सबसे बड़े नगर सूरत शहर में स्थित है हवाई अड्डा, तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पड़ता है आपका, गुजरात में, क्लियर है। तो साथियों इतना आप लोगों ने देखा, तो उम्मीद है आप लोग को जो है वीडियो पसंद आया होगा, बहुत जल्द अगला वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कुछ ऐसी ही मेन मेन बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए जो है क्या है महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है साथियों। तो चैनल को जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दें और शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर दें, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।